हेलो एवरीवन, तो चलिए जी आज फिर से बनाते हैं कुछ नवरात्रि स्पेशल। और इसमें आज हम बनाने वाले हैं लौकी की खीर, जिसे कुछ लोग घिया बोलते हैं, कुछ लोग दूधी भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है, और क्योंकि ये लौकी से बनेगी तो पौष्टिक तो है ही, ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जल्दी से आप और हम मिलकर हमारी ये टेस्टी सी लौकी की खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक लौकी लेनी है, उसके ऊपर का छिलका निकाल देना है और इसे कद्दूकस कर लेना है। तो मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब हम लौकी के अंदर का जितना भी पानी है वो सारा पानी निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप जो भी लौकी लो, आपकी लौकी कच्ची होनी चाहिए। कच्ची लौकी की खीर काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। और कच्ची लौकी नहीं हो तो आप पकी हुई लौकी हो तो उसके अंदर के बीज निकाल दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैंने इसका पानी निकाल दिया है, ये देखिए, और लौकी को एक साइड में कढ़ाई में डाल दिया है। तो अब इस लौकी को हमें पकाना है, और पकाने के लिए मैंने इसे गैस पर रख दिया है। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक हमारी लौकी सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो चलिए फ्रेंड्स, अब साथ में मैंने लिया है 250 से 300 ग्राम दूध, और इसमें डाल दिया है 1 कप मिल्क पाउडर। वजन के अकॉर्डिंग देखें तो ये 150 से 200 ग्राम है, और 1 कप इसके अंदर डाल दिए हैं मैंने जो दूध के ऊपर मलाई आती है वो मलाई। अब ये डालने के बाद में हमें इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपके पास मिल्क पाउडर या मलाई नहीं है तो आप इसे सीधा दूध में भी बना सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर और मलाई डालने से इसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अभी हमारा लिक्विड भी तैयार हो चुका है और हमारी घिया भी पक चुकी है। अब ये लिक्विड सारा हम इस घिया के अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। आप इसमें दूध का भी यूज करो तो फुल फैट दूध का ही यूज कीजिएगा, उससे इसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। अब इसमें डालेंगे 1 से 2 ड्रॉप जो खाने वाला फूड कलर आता है वो। कलर डालना ऑप्शनल है, आप इसे बगैर कलर भी बना सकते हैं। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक हमारी खीर गाढ़ी नहीं हो जाती। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी खीर गाढ़ी हो चुकी है और ये अच्छी तरह से पक भी चुकी है। चलिए अब इसमें डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। आपको जितना मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें मीठा डाल लीजिए। आप चाहो तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारी खीर बनकर तैयार है, और चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो ये लो जी, आप इसे किसी भी व्रत के अंदर बना सकते हो। झटपट बनने वाली है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और पौष्टिक तो है ही, ये तो आपको पता ही है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, हम लोग फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।